हे व्हाट्सअप गाइस, तो मैं हूँ इस्कॉन और आपका इस्कॉन अगर की वीडियो पे आपका स्वागत कर दूँ गाइस। तो मैं लेके आ गया हूँ कमाल की टेक्नोलॉजी अपडेट और बहुत सारे लीक्स। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज नंबर 13 की बात करें तो गाइज हमारा स्पेस दोस्तों बहुत ही बड़ा है। तो गाइज बता दें, हमारे अंतरिक्ष में दोस्तों ऐसे ऐसे ग्रह मौजूद है दोस्तों जहां तक अभी हम कल्पना नहीं कर पाए हैं और अभी हम उन तक पहुंच भी नहीं पाए हैं। तो गाइज बता दें, हमारे जो स्पेस रिसर्चर्स दोस्तों और जो हमारे स्पेस में रहने वाले दोस्तों स्टेशनों में रहने वाले दोस्तों अंतरिक्ष यात्री हैं, वो दिन रात मेहनत करते दोस्तों कुछ ना कुछ नया खोजते रहते हैं। तो इसी खोज में दोस्तों 26 साल के दोस्तों जो कि एक स्टूडेंट है दोस्तों, जिनका नाम है दोस्तों मिकेल कोनी मोटो और वो दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया एस्ट्रोनॉमी के एक छात्र जो कि 26 साल के हैं। तो गाइस बता दें, इन्होंने दोस्तों 17 नए एक्सोप्लैनेट को खोजा है और गाइस ये ट्राजिस मेथड का इस्तेमाल करके नासा का जो दोस्तों जो केपलर मिशन है दोस्तों उसके डेटा की सहायता दोस्तों पृथ्वी के सोलर सिस्टम के बाहर 17 नए एक्सोप्लैनेट को इन्होंने खोजा है। और गाइस बता दें, इनमें सबसे छोटा एक्सोप्लैनेट दोस्तों पृथ्वी के आकार का है जो कि 2.3 का है, जो कि केपलर की मदद से इसे खोजा गया है। और गाइस बता दें, अब तक का सबसे छोटा ग्रह भी है। गाइज नंबर 12 की बात करें तो गाइज अलीबाबा ग्रुप ने दोस्तों तैयार किया नया AI सिस्टम को। तो गाइज बता दें, कोरोना वायरस के लिए दोस्तों इन्होंने तैयार किया है, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस चाइना में बहुत बुरी तरीके से फैलता गया है दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों कई देशों में फैलता जा रहा है दोस्तों। तो इसे देखते हुए दोस्तों नया AI सिस्टम को बना दोस्तों अलीबाबा ग्रुप ने। तो गाइज बता दें, इसे अलीबाबा रिसर्च इंस्टीट्यूट डेमो अकेडमी में तैयार किया गया है, जो कि दोस्तों 20 सेकंड में आपको बता देगा दोस्तों 96% सटीकता से कि आपको कोरोना वायरस है या फिर नहीं। तो गाइज बता दें, इसमें सिटी स्कैन के जरिए दोस्तों 20 सेकंड में आपको 96% की सटीकता तो मिलेगी ही। और गाइज बता दें, कंपनी ने दोस्तों रोगी की जो छाती दोस्तों उसका स्कैन करके कोरोना का संक्रमण का तो पता लगाएगा। और गाइज इसकी जो दावा दोस्तों अकेडमी का किए दोस्तों आधारित AI सिस्टम ओनली 20 सेकंड में ये काम करेगा। और गाइज इसमें दोस्तों शोधकर्ताओं ने इसे दोस्तों 5000 से अधिक पॉजिटिव मामलों में जांचा गया है, जो कि दोस्तों इसे एक सक्सेसफुल बनाया गया है। गाइज गाइज नंबर 11 की बात करें तो गाइज नासा जो कि एक बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी कंपनी है, तो गाइज बता दें, नासा ने दोस्तों जारी किए मंगल ग्रह पर मौजूद छेद की एक तस्वीर दोस्तों, जिसमें पनप सकता है दोस्तों जीवन, ये दोस्तों नासा ने अनाउंसमेंट किया है। गाइज बता दें, नासा द्वारा ये दोस्तों 2011 में ली गई थी इस इमेज को, जिसमें दोस्तों इसे अभी जारी कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों एक छेद की तस्वीर जारी की है नासा ने गाइज। और गाइज बता दें, एक बड़ी सी गुफा जैसा मुंह जो दिखाई देता है दोस्तों, ये एक छेद सा, तो नासा ने दोस्तों इसमें लिखा, ऐसे छेद काफी दिलचस्प होते हैं क्योंकि इसकी अंदरूनी गुफाएं दोस्तों जो कि मंगल की कठोर सतह से बची रहती हैं और जिसमें मंगल पर जीवन पनपने के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। और गाइस बता दें, आने वाले 2021 में दोस्तों नासा एक नया मंगल से रिलेटेड मिशन करने वाला है, जिसमें दोस्तों उन्हें कुछ और जानकारी कलेक्ट करने के लिए दोस्तों अपना व्हीकल भेजने वाले दोस्तों मंगल ग्रह पे। गाइज नंबर 10 की बात करें तो गाइज कोरोना वायरस जो कि बुरे तरीके से पूरे वर्ल्ड में फैलता जा रहा है दोस्तों, तो इससे बचने के लिए दोस्तों सभी लोग दोस्तों रिक्वेस्ट करते कि आप मास्क यूज करो। इसी तरह दोस्तों वैज्ञानिकों ने दोस्तों चेतावनी दी है कि आपको जो एक सप्ताह तक का फोन का स्क्रीन है दोस्तों उस पर भी रह सकता कोरोना वायरस। और गाइस बता दें, इसे साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम किविल ने कहा दोस्तों, हाथ धुले होने के बावजूद आपको जो स्मार्टफोन की स्क्रीन दोस्तों उसे छूने के बाद आपका चेहरा छूने से दोस्तों संक्रमण फैल सकता है और दोस्तों इसे देखा भी गया है। तो इस तरह में दोस्तों फोन को वायरस मुक्त करने के लिए आप दोस्तों दिन में 2 बार अल्कोहल वाइप्स इस्तेमाल करें दोस्तों, जिससे दोस्तों आपका जो फोन है वो अच्छी तरीके से साफ हो जाए और दोस्तों आप संक्रमण से बच सकते हैं दोस्तों। गाइज नंबर 9 की बात करें तो गाइज महिंद्रा की XUV 300 दोस्तों जो कि स्पोर्ट्स मॉडल दोस्तों जो कि अप्रैल महीने में होने वाली है लॉन्च। तो गाइज बता दें, इसे 2020 के ऑटो एक्सपो में भी दोस्तों इसे शोकेस किया गया था और इसमें दोस्तों जो नया है दोस्तों 1.2 लीटर का कुछ टर्बो डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन लगाया गया है, जो कि 130 BHP पावर और 230 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और दोस्तों इसे अब ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स का इसमें आपको ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि दोस्तों इंजन के साथ कार डिजाइन को भी अपडेट किया गया है। इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील, एंटी वेंट और डैशबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग रेड स्ट्राइप दिया गया है। और गाइस कार में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंप्रूवमेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जो कि एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो पोर्ट का सपोर्ट मिलेगा गाइस।
गाइस नंबर 8 की बात करें तो गाइस टेस्टिंग के दौरान देखिए दोस्तों मारुति सुजुकी डिजायर जो कि फेस लिफ्ट दोस्तों लॉन्च होने के लिए, तो गाइस बता दें इसमें आपको दोस्तों पेट्रोल इंजन से लैस होगी ओनली, दोस्तों आपको डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। और गाइस बता दें अब कंपनी सार 4 मीटर सेडान में फेस लिफ्ट वर्जन को उतारने की तैयारी भी बहुत तेजी से कर रही है और इसे दोस्तों पहली बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसके एक्सटीरियर पर गौर करें दोस्तों गाड़ी में अब फ्रंट लुक पहले से एकदम नया है और आगे में आपको थोड़ा बॉडी हेक्सागन एंगल फ्रंट ग्रिल के साथ नया डिजाइन का बम्पर दिया गया है। और गाइस इसके जो इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर का ड्यूल जेट इंजन दिया गया है जो कि माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस है और इसके इंजन में दोस्तों 19 पीएस की पावर जो कि 113 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसमें आपको 7 इंच का स्मार्ट स्टूडियो इन्फोमेंट सिस्टम दिया गया है जो कि मार्केट में बहुत जल्दी से लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों। गाइस नंबर 7 की बात करें तो गाइस कोरोना वायरस आउटब्रेक के चलते दोस्तों Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme के स्मार्टफोन दोस्तों बहुत ही जल्दी महंगे होने वाले हैं। तो गाइस बता दें चाइना में अभी दोस्तों 3000 से ज्यादा लोगों की जाने जा चुकी हैं और गाइस 90,000 से ज्यादा लोग दोस्तों इस कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। तो इस तरह में दोस्तों जो सभी कंपनियां दोस्तों Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme और बड़ी बड़ी जितनी कंपनी दोस्तों उनका प्रोडक्शन रेट दोस्तों बहुत ही रुका हुआ है और सप्लाई दोस्तों बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है जिसके चलते दोस्तों डिमांड और सप्लाई पर दोस्तों बहुत ही ज्यादा असर पड़ रहा है। तो इस वजह से दोस्तों कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट को दोस्तों थोड़ा सा प्राइस बढ़ाने वाली है। तो देखते दोस्तों कोरोना वायरस कब खत्म होता है और कंपनी कब अपने प्रोडक्ट को सस्ता करने वाली है। गाइस नंबर 6 की बात करें तो गाइस कोरोना वायरस के चलते दोस्तों दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने दोस्तों अपना सबसे बड़ा जो दोस्तों इवेंट होने वाला था दोस्तों आईओ इवेंट उसे कंपनी दोस्तों रद्द कर दिया गया है। और जो दोस्तों बता दें इसे मई में करने वाले इवेंट को जो कि दोस्तों अब इसे मार्च के महीने में ऑनलाइन किया जाएगा जिसका दोस्तों लाइव स्ट्रीम दोस्तों यूट्यूब और दोस्तों गूगल की साइट पे किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप दोस्तों घर बैठे भी इस इवेंट को दोस्तों लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों गूगल ने अपना इसे तो रद्द कर दिया गया है, इसी तरह दोस्तों फेसबुक ने अपना दोस्तों F8 कॉन्फ्रेंस को भी रद्द कर दिया गया है जो कि दोस्तों फेसबुक की तरफ से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है। और दोस्तों इसी तरह GDC 2020 को भी रद्द कर दिया गया दोस्तों कोरोना वायरस के चलते। तो गाइस आप इसे लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं वो भी मार्च के महीने में। गाइस नंबर 5 की बात करें तो गाइस वेस्टर्न डिजिटल ने दोस्तों इंडिया में लॉन्च कर दिया अपना 5 TB का सबसे पतला हार्ड ड्राइव को। और दोस्तों कंपनी का दावा किया जो 5 TB की जो साइज में दोस्तों पतला हार्ड ड्राइव है और दोस्तों इसे आप हाथ में आसानी से पकड़ सकते हो दोस्तों जो कि बहुत ही पतला है। और गाइस बता दें इस साइज में दोस्तों 30% अधिक जो कि बहुत ही लेटेस्ट पतला हार्ड ड्राइव है। तो गाइस बता दें कंपनी दोस्तों इसमें फोटोज, वीडियो, म्यूजिक और डॉक्यूमेंट को आप स्टोर कर सकते हैं और कंपनी की दोस्तों 3 साल की वारंटी मिल रही है दोस्तों। और कंपनी ने कहा है कि इस ड्राइव की सिक्योरिटी के लिए हाई इंक्रिप्शन का इस्तेमाल किया गया है जो कि इसकी कीमत की बात करें तो इसका जो प्राइस दोस्तों 10,999 रुपये है। और दोस्तों ये 5 TB के साथ आपको दोस्तों 2.0 का USB सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और इसमें आपको 19.15 mm का पतला साइज देखने को मिलने वाला है। गाइज नंबर 4 की बात करें तो गाइज आप फ्लाइट में भी आप कर सकते हो दोस्तों इंटरनेट कनेक्टिंग सुविधा का मजा लोगे क्योंकि दोस्तों जल्द शुरू होने वाली दोस्तों इंटरनेट की सुविधा जो कि वाईफाई ऑनबोर्ड सर्विस है क्योंकि दोस्तों इसे सरकार द्वारा इसे मंजूरी मिल गई है क्योंकि दोस्तों आप लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, ई रीडर और पॉज जैसे डिवाइसेज और एटसेट्रा इंटरनेट से आप कनेक्ट करके आप इस फीचर का मजा ले सकते हो। और दोस्तों आप कनेक्ट हो जाओगे दुनिया से तो दोस्तों इनेबल होने के बाद जो पैसेंजर फ्लाइट मोड में भी आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो क्योंकि दोस्तों महंगा हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा किराया क्योंकि दोस्तों इस सर्विस को चालू करने के लिए क्यू बैंड के जरिए से सिग्नल को तो भेजा जाता है लेकिन दोस्तों फ्लाइट में सिग्नल रिसीव करने के लिए एयरलाइंस को सर्वर इंस्टॉल करना होगा जो एंटीना और डाटा राउटर्स के जरिए सिग्नल को डाटा पैकेट में बदलेगा और थोड़ा थोड़ा पब्लिक से भी चार्जेस किया जाएगा। गाइस नंबर 3 की बात करें तो गाइस यूनिसॉक ने दोस्तों डिजाइन किया अपना फर्स्ट चिपसेट प्रोसेसर को जो कि है दोस्तों T7520 है जो कि दोस्तों 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है जो कि दोस्तों बहुत ही फास्ट और दोस्तों बहुत ही तेज चलने वाला प्रोसेसर हो चुका है दोस्तों जो कि दोस्तों 6 नैनोमीटर पे काम करता है। तो गाइस इसका जो सपोर्ट है दोस्तों वो बहुत ही तेज है उसका कॉर्टेक्स A176 कोर्स है जिसमें दोस्तों A55 कोर्स जो कि क्लॉक स्पीड अननोन है। और गाइस इसमें आपको माली G757 का सपोर्ट, डिस्प्ले की बात करें तो 4K तक का रेजोल्यूशन सपोर्ट करेगा, HDR+ को सपोर्ट करेगा, 120Hz का रिफ्रेश रेट और जो कैमरा सेंसर दोस्तों 100MP कैमरा सेंसर को सपोर्ट करेगा जो कि 5G मॉडम सपोर्ट प्रोसेसर है दोस्तों। और दोस्तों NPU ऑफर्स में 50% हाई परफॉर्मेंस वाला पर वॉट का दोस्तों ओल्ड जनरेशन
से लेटेस्ट है। और गाइस बता दे, इसका जो सीधा टक्कर होने वाला दोस्तों, इसका टक्कर होगा दोस्तों स्नैपड्रैगन लेटेस्ट 865 प्रोसेसर से और हुआवे का दोस्तों किरिन 919 प्रोसेसर से टक्कर होने वाला है। गाइस नंबर टू की बात करें तो गाइस रेडमी के अपकमिंग स्मार्टफोन दोस्तों रेडमी नोट 9 सीरीज जो कि दोस्तों 12 मार्च को इंडियन मार्केट पर लॉन्च होने वाली है और इसकी जो दोस्तों लॉन्चिंग होगी वो ऑनलाइन होने वाली है। तो गाइस बता दें, रिसेंटली अभी दोस्तों रियलमी ने भी अपने दोस्तों रियलमी 6 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। तो गाइस रियलमी का 6 प्रो और दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो की टक्कर की बात करें तो गाइस इसमें थोड़ा सा मल्टी कोर में दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो थोड़ा सा आगे हो गया है और दोनों फोन में लगे हुए दोस्तों स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 720G प्रोसेसर जो कि दोस्तों बेहतर प्रोसेसर माने जाते हैं मिड रेंज के लिए। तो गाइस बता दें, रेडमी नोट 9 प्रो में दोस्तों आपको प्रोसेसर तो बता दिए 720G प्रोसेसर लगा हुआ है और इसमें आपको फोन एंड्रॉयड 10 पे दोस्तों रन करता है। इसके दोस्तों जो ऑप्शन मिलेंगे आपको वेरियंट दोस्तों 8GB रैम 6GB रैम वेरियंट देखने को मिलेगा और दोस्तों 128GB स्टोरेज और 256 स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और गाइस बता दें, कंपनी का जो दोस्तों ये लेटेस्ट फोन, इसका जो प्राइस की बात करें तो Redmi Note 9 Pro का दोस्तों जो प्राइस बताया जा रहा है वो 16,000 रुपए प्राइस बताया जा रहा है। गाइस नंबर वन की बात करें तो गाइस दुनिया का सबसे दमदार कंप्यूटर जल्दी होने वाला है लॉन्च, इसका सीधा टक्कर होगा दोस्तों IBM और गूगल से। तो गाइस बता दें, इन दोनों कंपनियों को टक्कर देने के लिए दोस्तों एक नया दोस्तों प्रतिद्वंदी मार्केट में आने वाला दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों हनीवेल क्वांटम सॉल्यूशन जो कि दुनिया का सबसे दमदार क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करने वाला है। और गाइस बता दें, हनीवेल क्वांटम सॉल्यूशन दोस्तों इंटरनेशनल इनका हिस्सा है और इस कंपनी दोस्तों दुनिया भर में एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी समेत सॉल्यूशन के लिए जानी जाती है। तो गाइस बता दें, IBM द्वारा बनाए गए क्वांटम कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के आधार पर इसका नाम क्वांटम वैल्यू है। इसका इस्तेमाल उन समस्याओं के लिए किया जाता है जिसमें क्वांटम कंप्यूटर की मदद से सॉल्व किया जा सके और इसे सॉल्व का नंबर एक्सेस किया जाता है। तो इसी टक्कर में दोस्तों बता दें हम आपको दोस्तों क्वांटम सॉल्यूशन दोस्तों हनीवेल लॉन्च करने वाले हैं अपना न्यू कंप्यूटर क्योंकि मार्केट पे एक नया कंप्यूटर लॉन्च होने वाला है। और गाइस बता दें, 53 क्यूबिट के साथ आता है दोस्तों गूगल का सेमर्स और दोस्तों IBM की बात करें, इसका कंप्यूटर 28 क्यूबिक के साथ आता है। तो इसी में आपको दोस्तों 58 क्यूबिक के साथ आने वाला दोस्तों दुनिया का सबसे दमदार कंप्यूटर हनीवेल क्वांटम सॉल्यूशन जो कि मार्केट पे तहलका मचाने वाला दोस्तों, इसकी मदद से दोस्तों थोड़ा सा काम जो आसान हो सकेंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज।